हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम करेंगे 2×1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के रिवीजन सम्स, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिवीजन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एबेकस क्लियर रखेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट सम 73×5। हमें सबसे पहले याद रखना है कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर भी थर्ड रोड से स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड, हंड्रेड की रोड से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम करेंगे सिंगल डिजिट ही है, तो फर्स्ट टू सिंगल डिजिट, लेफ्ट 1 to left डिजिट, 5 7 करेंगे, 5 7 35, सो 100 रोड पे 3 एंड 10 रोड पे 5, 3 5 35, 7 5 हो गया। अब ये डिजिट को नहीं देखना है, अब बचे दो डिजिट, सो टेंस और यूनिट्स के रोड्स पे करेंगे, 3 5 15, 1 5 15 करेक्ट। सो हमारा आंसर हमें मिला है 3 6 5। आंसर क्या मिला हमें, 3 6 5। और एक सम देखते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स है हमारे पास, अगेन 3 रॉड्स पे आंसर आएगा, 6 3 18, 1 8 18, अगेन 6 3 18, 1 8 18, सो हमारा आंसर क्या मिला, 66×3 इज इक्वल टू 198। आंसर हमें मिला है 198। और एक सम देख लेते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ऑलरेडी, हम 3 डिजिट से ही देखेंगे, 3 रॉड्स पे आंसर आना चाहिए, 9 8 देखना है, 9 8 72, सो 100 के रोड पे करेंगे 7, 10 पे करेंगे 2, 72। अब 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 0 ही रहेगा, सो कोई भी डिजिट, कोई भी बिट अप एंड डाउन नहीं होगा। हमारा आंसर मिला है 720, 100 के प्लेस पे 7, 10 के प्लेस पे 2, यूनिट्स के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स 0। आंसर हमें लिखना है 720। आई होप ये सम्स आपको समझ में आए हैं। वर्कशीट को सॉल्व कीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।